देखो एड्रेसिंग मोड क्या रिप्रेजेंट करता है एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है ठीक है एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि हम जब भी कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो एड्रेसेस कैसे पास करेंगे तो हमारे पास कुछ एड्रेसिंग मोड है जैसे कि हमारे पास एक है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जिसमें रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपके पास आ सकता है यू कैन हैव रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ठीक है या फिर आपके पास मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है राइट right? जैसे आपके पास मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ठीक है एक एनालॉगी देता हूँ एग्जाम प्रोग्राम्स के थ्रू ताकि आपको समझ में आए सो लेट अस अज्यूम ये आपका प्रोग्राम है मेन फंक्शन एंड हियर वी आर डूइंग इंटीजर ए इज इक्वल टू फाइव इंटीजर बी इज इक्वल टू सिक्स ठीक है एंड दिस इज़ योर प्रोग्राम एंड लेटर ऑन समवेयर यू आर परफॉर्मिंग ए प्लस बी आप यहाँ पर कहीं पर ए प्लस बी को परफॉर्म कर रहे हैं सो वट यू कैन डू इज ये जो पहला वैल्यू है फाइव यू कैन स्टोर दिस वैल्यू फाइव इन द एमिलेटर ठीक है एंड दिस वैल्यू सिक्स एंड दिस वैल्यू सिक्स विल बी स्टोर्ड इन दिस मेमोरी यूनिट वैल्यू सिक्स कहाँ पर स्टोर है मेमोरी यूनिट के पास ठीक है और ये मेमोरी यूनिट में किस लोकेशन पर स्टोर है इट इज स्टोर्ड एट द लोकेशन थ्री थाउजेंड नाउ इफ आई डू द इंस्ट्रक्शन लाइक एड दिस एड थ्री थाउजेंड एक इंस्ट्रक्शन है एड थ्री थाउजेंड उस केस में क्या होगा कि ये जो वैल्यू फाइव है दिस ए एल यू विल टेक द वैल्यू फ़ाइव फ्रॉम द एक्मलेटर एंड इट विल टेक द वैल्यू सिक्स फ्रॉम द मेमरी यूनिट राइट मेमरी यूनिट से कहाँ पर आएगी एड्रेस डेटा रजिस्टर के पास इट विल टेक द मेमरी वैल्यू सिक्स फ्रॉम द डेटा रजिस्टर और जो भी इनका रिजल्ट होगा एडिशन वो हम स्टोर करेंगे कहाँ पर एक्यूमलेटर के पास तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन जहाँ पर हम सिर्फ एक ही एड्रेस को पास करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन ये आपकी एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन है एंड दिस इंस्ट्रक्शन राइट नाउ इज़ अ मेमोरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बिकॉज हमने डायरेक्टली एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया कि कहाँ से आपको वैल्यू को लेना है अंडरस्टूड अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी हो सकती है आपके पास सब इंस्ट्रक्शन कैन बी लाइक दिस ठीक है तो वी कैन हैव लाइक एड टू थाउजेंड कॉमा थ्री थाउजेंड राइट right? यानी कि जो आपका वैल्यू फाइव है वो भी मेमोरी लोकेशन टू थाउजेंड पर स्टोर है दिस वैल्यू सिक्स इज़ आल्सो स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन थ्री थाउजेंड तो यानी कि उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस मेमोरी लोकेशन टू थाउजेंड से वैल्यू को भी लेना है मेमोरी लोकेशन थ्री से भी वैल्यू लेना है उसको एड करना है उसका रिजल्ट स्टोर करेंगे एक्मलेटर में तो इस केस में ये जो इंस्ट्रक्शन है ये होंगी आपके पास टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन जिनके अगर आप दो एड्रेसेस पास करेंगे तो उसको हम बोलेंगे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन ठीक है राइट नाउ अभी जो हमने अपने बेसिक सी, सी basic CPU को डिज़ाइन किया है ये जो पूरा बेसिक सी है दिस बेसिक सी पी यू इज़ ओनली गोइंग टू एग्जीक्यूट वन एड्रेस और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन ये सिर्फ या तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा या फिर ये जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा अंडरस्टूड कि वन एड्रेस और टू एड्रेस का मतलब क्या होता है राइट right? सेकेंडली हमारे पास एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक एग्जाम्पल है हमारे पास पॉइंटर्स पॉइंटर्स इन डायरेक्ट एग्जाम्पल है जैसे जैसे यू कैन डू समथिंग लाइक दिस कि आपके पास एक प्रोग्राम है दिस इज द मेन फंक्शन हियर वी आर हैविंग इंटीजर ए इज इक्वल टू फाइव वी आर हैविंग इंटीजर बी इज इक्वल टू एम परसेंट इंटीजर स्टार बी इज इक्वल टू एम परसेंट ए एंड वी आर डूइंग ए प्लस ऑफ स्टार बी ठीक है अब ये जो बी है बी इज अ पॉइंटर B जो है वो एक्जैक्टली exactly उस डेटा वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा इट इज़ नॉट स्टोरिंग द डेटा वैल्यू जिसको हमें ऐड करना है बट रेदर इट इज़ इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टू दैट डेटा वैल्यू तो ये एक इनडायरेक्ट पॉइंटर है राइट इट इज़ नॉट डायरेक्टली कंटेनिंग द डेटा वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा B जहाँ पर जो वैल्यू स्टोर है जो एड्रेस स्टोर करा है हमें पहले उस एड्रेस पर जाना पड़ेगा एंड फ्रॉम दिस एड्रेस आई हैव टू टेक आउट दिस वैल्यू और फिर उसके बाद हम इस एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं सो बेसिकली यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और वो सभी इंस्ट्रक्शन है अपने सी पी यू के आर्किटेक्चर के बेसिस पर हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड ठीक है और मैंने जो एड्रेसिंग मोड का टॉपिक है अभी के लिए आपके साथ स्किप करवा दिया था बट आफ्टर टू क्लास आई विल ऑल्सो डिस्कस द एड्रेसिंग मोड या फिर इस क्लास के अंदर भी मैं एड्रेसिंग मोड को डिस्कस कर सकता हूँ ठीक है सो वंस यू कवर एड्रेसिंग मोड तो ये चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाएंगी तो so यहाँ पर uh, क्या रिप्रेजेंट किया गया है इन दिस टेबल वी आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेलेक्ट लाइन्स तो आपके पास जो सेलेक्ट लाइन है इन दिस uh, ये जो आपके पास कॉमन बस थी सो इन दिस कॉमन बस आपके पास तीन सेलेक्ट लाइन है यू हैव एस नॉट एस वन एंड एस टू ये तीन सेलेक्ट लाइन्स आपके पास इस कॉमन बस के अंदर है तो हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग कि जो आपके पास सेलेक्ट लाइन्स हैं दीज सेलेक्ट लाइन्स ओके जो आपके पास सेलेक्ट लाइन्स हैं यहाँ पर तो ये जितनी भी सेलेक्ट लाइन्स हैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज हम मैक्सिमम क्या वैल्यू पास कर रहे हैं द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी आर पासिंग इज़ सेवन एंड द मिनम वैल्यू दैट वी आर पासिंग इज वन तो कौन सी वैल्यू किस चीज़ से एसोसिएट है जैसे वैल्यू सेवन इज एसोसिएट विद अ मेमरी वैल्यू वन इज एसोसिएट विद द एड्रेस रजिस्टर वैल्यू टू इज एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम काउंटर तो वैल्यू कौन सी वैल्यू किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है दिस इज वॉट इट इज दिस स्टेबल इज रिप्रेजेंटिंग तो यहाँ पर इट इज शोइंग कि हमारे पास जो डेटा बस है उसके अंदर तीन सेलेक्ट लाइन है वी हैव थ्री सेलेक्ट लाइन्स से इज द डेटा बस इफ वी आर पासिंग अ वैल्यू जीरो 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 दट मीन्स नो रजिस्टर विल बी सेलेक्टेड

एज़ वेल एज इट इज ऑल्सो भी कैरिंग द एड्रेस राइट मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सिस्टम बस है इट इज़ अन्न बिट सिस्टम बस तो यानी कि जब हम डेटा को कैरी कर रहे हैं तो सभी की सभी सिक्सटीन बिट वहाँ पर यूटिलाइज होंगी लेकिन जिस समय पर आप एड्रेस को कैरी कर रहे हैं तो जो फर्स्ट फोर बिट हैं वो फर्स्ट फोर बिट हम ज़ीरो सेट करेंगे और रेस्ट जो आपकी ट्वेल्थ बिट है वो सभी एड्रेस को कैरी करेगी राइट दिस इज वाट इज रिटर्न हीयर ओके सो The 12 bit register AR and PC have zero loaded into the bus in the higher 4 bit position. to तो apki first 4 bit hum zero load karenge aur baki location par hum log address carry kar sakte hain तो this is representing the properties of uh, common system bus। So third point वही same point है। So in the third point they are saying कि आपके पास जो address register है वो सिर्फ address carry करेगा। तो उसका जो address है वो 12 bit का होगा, okay? और जो डेटा रजिस्टर है वो डेटा कैरी करता है दैट विल बी ऑफ सिक्सटी बिट तो जो आपकी कॉमन बस है राइट right? जैसे लेट मी गो बैक हीयर तो ये जो आपकी कॉमन बस है दिस कॉमन बस इज ऑफ सिक्सटीन बिट कॉमन बस ये सिक्सटीन बिट कॉमन बस की है एंड दिस प्रोग्राम काउंटर दिस एड्रेस रजिस्टर विल बी कैरिंग ट्वेल्व बिट्स लेकिन कॉमन बस कितने की आपकी सिक्सटीन बिट की तो जो टोटल आपके सिक्सटीन बिट्स हैं लाइक दिस तो टोटल आपकी 16 बिट है उसमें से फर्स्ट फोर बिट के अंदर हम लोग जीरो सेट करेंगे जब ये एड्रेस को हम लोग इस बस के अंदर पास करेंगे तो जो पहली चार बिट है वो यहाँ पर जीरो सेट होंगी और लास्ट के जो 12 बिट्स हैं दे विल बी कवरिंग द एड्रेस वो एड्रेस को कंटेन करेंगी दिस इज़ वट इट इज रिटर्न इन द थर्ड पॉइंट ये थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा है ठीक है क्लियर और जो लास्ट पॉइंट है तो लास्ट पॉइंट में देखो आपके पास इफ़ यू चेक इट आउट तो यहाँ पर जो इनपुट रजिस्टर है सो इनपुट रजिस्टर इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बस करेक्ट एंड दिस आउटपुट रजिस्टर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बस आउटपुट रजिस्टर बस के साथ कनेक्टेड है लेकिन जो इनपुट रजिस्टर बस के साथ कनेक्टेड नहीं है इनपुट रजिस्टर ए के साथ कनेक्टेड है करेक्ट तो यानी कि जब ये आउटपुट रजिस्टर के अंदर हम लोग से uh, के अंदर हम जब कुछ वैल्यू को स्टोर करेंगे तो जो आपका आउटपुट रजिस्टर है इट इज़ ओनली ऑफ एट बिट ये आपका सिर्फ एट बिट का आउटपुट रजिस्टर है और जो ये पूरी बस है ये सिक्सटीन बिट की है तो यानी कि टोटल सिक्सटीन बिट में से जो फर्स्ट एट बिट है हम उसको ज़ीरो सेट कर देंगे और लास्ट की जो एट बिट है वो वो वैल्यू कंटेन करेगा जो हमें आउटपुट रजिस्टर के अंदर स्टोर करनी है ठीक है द वैल्यू दैट वी हैव टू स्टोर इन द आउटपुट रजिस्टर विल बी द लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट एट बिट

मोस्ट सिग्निफिकेंट एट बिट है हम यहाँ पर ज़ीरो सेट कर देंगे और लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट एट बिट के अंदर हम यहाँ पर वन सेट कर देंगे राइट सो दैट वी कैन लोड दैट वैल्यू हियर देयर